बालों में मेहंदी लगाना किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद होता है। ग्रे हेयर का प्रॉब्लम हो, बालों को कंडीशनिंग करना चाहते हैं आप, बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो हेना एक बहुत पुराना तरीका है जिससे कि आप बालों को अपने हेल्दी बना सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि कौन सा हेना लें, कौन सा मेहंदी लें, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाएं, कौन कौन सी चीज़ें मिलाएं तो ठीक है, कितनी क्वांटिटी में मिलाएं, ये सारी झंझट होती है। सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा मैसी प्रोसेस होता है बालों में मेहंदी लगाने का, इसलिए बहुत सारे लोग आलस में नहीं लगाते। मैं तो बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ जब मुझे मेहंदी लगाना होता है, इस चक्कर में मैं लगाती ही नहीं हूँ। तो मामा अर्थ ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हिना पेस्ट लॉन्च किया है, जो कि 100% नेचुरल है और मामा अर्थ का है, तो नेचुरल चीज़ों से मिलके बना हुआ है। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, तो मैंने सोचा आज इसी के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेहंदी लगाना पसंद करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण कि कौन मेहंदी लाए, घोले, इतना वेट करे, एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप मामा अर्थ का जो हिना पेस्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करता है कि बालों को नेचुरल कलर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स यूज़ किए गए हैं और कॉफ़ी बीन्स बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, नेचुरल कलर प्रोवाइड करते हैं, प्री मैच्योर ग्रे हेयर का प्रॉब्लम हो जाता है उसको भी ये जो हिना पेस्ट है दूर करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का हिना यूज़ किया गया है। बालों को कंडीशनिंग नरिश करने के लिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे एसेंशियल ऑयल्स वगैरह यूज़ किए गए हैं जो कि बालों को हेल्दी बनाते हैं, आपको नेचुरल कलर प्रोवाइड करेंगे। ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है जो कि आजकल अक्सर बहुत जल्दी एज में शुरू हो जाता है, स्ट्रेस के कारण, अच्छा लाइफ स्टाइल ही है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम ट्रीट करने में भी ये जो है ना पेस्ट है आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, हर्ब्स यूज़ किए गए हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके बार्क जो होते हैं वो यूज़ किए गए हैं, एसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए गए हैं, बहुत सारी वेजीज वगैरह इसमें यूज़ किए गए हैं जो कि बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लिस्ट आपको आगे दे दूंगी, वो आप देख सकते हो। प्रिजर्वेटिव के लिए इन्होंने सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ किया है जो कि सेफ होता है और एज अ प्रिजर्वेटिव ये दोनों चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं, जैसे शिकाकाई, आंवला, रीठा और फ्लैक्स सीड्स हुआ, मेथी सीड्स हुए, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो इस पैक को आप किसी भी बोल में निकाल लीजिए और ब्रश की हेल्प से आप अपने स्कैल्प पे और पूरे लेंथ पे लगा लीजिए और 1-2 घंटे तक लगा के रखिए, और इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी हेना पैक को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके बालों में ड्राइनेस आ जाएगी। तो आप 2 घंटे तक लगा के रखो, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। दूसरे दिन आप शैम्पू या जो भी शैम्पू यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, पर मामा अर्थ का जो है ना शैम्पू कंडीशनर आता है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इनका शैम्पू कंडीशनर भी आता है जिसमें है ना यूज़ किया गया है, उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपको अच्छा लगे शैम्पू वो शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको अप्लाई करना है। अगर आपके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, कम लेंथ है, तो जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है आप उसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो 1 मंथ के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार पैक आपने खोल लिया तो आपको फिनिश करना है, आप उसको 1 महीने तक फ्रिज में रख के कभी भी यूज़ कर सकते हैं। किट में आपको बहुत सारे ब्रांड्स के हिना मिल जाएंगे, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। ये जो हिना पेस्ट है इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, 100% नेचुरल, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों से बना हुआ है जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप केमिकल फ्री 100% नेचुरल कोई हिना पैक यूज़ करना चाहते हैं और वो भी बना बनाया, तो बिल्कुल आप एक बार इसको ट्राई करके देखो। इसके रिव्यूज़ हर जगह काफ़ी अच्छे हैं और ऑनलाइन आपको ईजिली मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और बिल्कुल आप एक बार परचेस करके देखो। अगर आप मेहंदी लगाना वालों में पसंद करते हो पर आलस के कारण और कौन घोले और कौन झंझट में पड़े इस कारण से नहीं लगा पा रहे हो, तो बिल्कुल एक बार इसको ट्राई करके देखो और जैसे भी रिजल्ट्स मिले मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।